2336 मैसेज है जो रीडिंग करने बाकी है, बट मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। चलो ये मैसेज देखता हूँ मैं कल सडनली। ये देख लीजिए, साड़ी के ऊपर एकदम बढ़िया से कलर लगा हुआ है, और ये साड़ी भी प्योर सिल्क की साड़ी है, काफ़ी महंगी साड़ी होगी। साड़ी में कॉलर टच हो गया सर, कैसे रिमूव होगा? फिर से एक बार सुनते हैं। साड़ी में कॉलर टच हो गया सर, कैसे रिमूव होगा? मुझे तो नहीं लगता ये दाग जाएगा, बट इस सैटरडे जो मैं लाइव आया था ना, उस वीडियो में मैंने कलर निकालने वाला केमिकल ही दिखाया है, तो आप चाहो तो मंगवा सकते हो, बाकी मुझे भी गारंटी नहीं ये जाएगा या नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसर। जब मैंने लॉन्ड्री बिजनेस करने की सोची थी ना, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मशीनें लेके आऊं, केमिकल लेके आऊं और बिजनेस शुरू कर दूं। सबसे पहले मैंने ये सोचा था कि मैं काम सीखने कहाँ जाऊं, कहाँ से सीखूं मैं ये काम। मेरी तब एज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 19-20, मतलब आज अगर मेरा 40 साल एज है ना, तो 22 साल पहले की बात कह रहा हूँ मैं। तो तब हमने ये नहीं सोचा था, मेरे पिताजी ने भी कहा कि पहले सीख लो, कहाँ से सीखोगे, और ये बिजनेस करना भी नहीं है आपको, आपके काम का नहीं है बिजनेस, हमारे कम्युनिटी में किसी ने भी नहीं किया है, ऐसा भी कहा था मुझे। तो सबसे पहले मैंने ये बिजनेस सीखा था, उसके बाद में किया था। भले मेरे पास तब संसाधन कम हो, मेरे पास मशीनरीज नहीं थी, मेरे पास बहुत ज़्यादा केमिकल नहीं थे, बट मैं सीख के आया था, बेसिक सीख के आया था मैं। तो वो सीखने के बाद में मैं ये बिजनेस कर पाया हूँ और कर रहा हूँ आज तक। और जैसे जैसे बिजनेस करते हैं वैसे वैसे सीखते हैं, बट बेसिक तो सीखना पड़ेगा ना। अभी कलर टच हो गया, ये एक सब्सक्राइबर की बात नहीं है। जब मैं लाइव आता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप भी लाइव ज्वाइन कीजिए, आधे आधे घंटे के लिए लाइव रहता हूँ। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, कपड़े के ऊपर कलर लगाए तो कैसे निकालें। अगर आपको सही से काम आता है, सही से काम आता है आपको, तो आपसे कलर लगेगा ही नहीं, कभी भी नहीं लगेगा, अगर आपको काम सही से आता है तो। तो बस यही है, बाकी मैं हर एक आदमी को पकड़ पकड़ के ये नहीं कह सकता हूँ ना, भाई ट्रेनिंग ले लो, भाई ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है। सिर्फ मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, 10-12-20-25 हज़ार सब्सक्राइबर होने के बाद में मुझे लोगों ने इंसिस्ट किया कि सर आप ट्रेनिंग दीजिए, हम आपके पास आएंगे, तब से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। बाकी मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, किसी का अगर इंक्वायरी आता है ना मेरे पास, तो वो भी मैं 2-4 दिन बाद चेक करता हूँ मैसेज, क्या ट्रेनिंग आई है, ट्रेनिंग की इंक्वायरी किसी की आई है, और बाद में उसको पलट के कभी भी मैं कॉल नहीं करता हूँ, मैसेज भी नहीं करता हूँ कि हमारे पास ट्रेनिंग के लिए है। जिसको आना है वो आएगा और मेरी वीडियोज़ देखेगा पहले 100-200, अगर लगेगा कि उनको कि हाँ मैं कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ उनकी लाइफ में, तो ही मेरे पास ट्रेनिंग के लिए लोगों ने आना है। और बाकी यहाँ पे नंबर है, ये भी मेरा नहीं है, विनायक शिंदे सर जी का ग्लोबल लॉन्ड्री इक्विपमेंट वालों का नंबर है, वो भी आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड गाइड कर सकते हैं, करते भी हैं, इसीलिए उनका नंबर यहाँ पे है। बाकी मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि लोगों के मैसेज पढ़ते रहूँ मैं। और जस्ट आपने पैसा खर्चा किया, मशीनें ले ली, केमिकल ले लिए, और आपसे कपड़ा ख़राब हो रहा है तब आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि आप पहले सीख लीजिए, कहीं पर भी सीखिए बट सीखिए, क्योंकि लोगों के महंगे महंगे कपड़े होते हैं। और बस यही है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने थॉट कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। पैसों से सारा कुछ खरीद सकते हो, बट स्किल तो सीखना ही पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ, या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।